चलो ब्रो, टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमने अभी पहले पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं, एक स्मॉल लेंस एक बिग लेंस, दो अलग अलग लेंस यूज होते हैं। जो स्मॉलर लेंस है, छोटा वाला, उस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो बड़ा वाला लेंस है उसको बोलते हैं आईपीस लेंस। एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आईपीस लेंस। आईपीस वाले की जो फोकल लेंथ है वो होती है एफ ई, और जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ होती है उसको हम नाम देते हैं एफ ओ। एक एफ ई, दूसरा कौन सा होता है? एफ ओ। क्लियर? अब इसमें समझो, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हेलो। तो समझो यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? ऑब्जेक्ट की हाइट है एच ओ। अब मुझे बताओ तुम लोग इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी? दो सर, दो सिंपल, दो। पहली इमेज ये वाला लेंस बनाएगा। समझो मैं एक रे ले रहा हूं स्ट्रेट, और एक जो रे ले रहा हूं वो इस तरफ ले रहा हूं। एक सेकेंड, लेंस को थोड़ा छोटा कर दूं। एक रे जा रही है स्ट्रेट और एक रे जा रही है इस। हमें बहुत बड़ी बनेगी, इसको छोटी करनी पड़ेगी, डायग्राम आएगी नहीं। एक रे स्ट्रेट, एक दो रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई इसकी। किसी को पता है स्ट्रेट रे कहाँ से टर्न लेती है? वो हमेशा फोकस से होके निकलती है। ये पॉइंट होता है फोकस। जब भी कोई पैरेलल रे लेंस में से पास होती है, पैरेलल रे, वो हमेशा फोकस से होके निकलती है। ध्यान से देखो, पहली वाली रे और दूसरी वाली ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो जहां इंटरसेक्ट होता है वहां बनती है एक इमेज। इमेज यहां बनेगी। समझो इमेज की जो हाइट है वो है एच आई, ठीक है? अब ये जो पॉइंट है, मैंने बोला ये तो है फोकस। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा यहां से जो डिस्टेंस आएगा, यहां से यहां तक का, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एल, जिसमें एल का मतलब होता है ट्यूब लेंथ। क्या मीनिंग सर, होता है क्या एल का? मतलब क्या ट्यूब बोला आपने? लेंथ मैं यहां लिख देता हूं, एल मीन्स ट्यूब लेंथ। जिन्होंने भी यूज किया हो
माइक्रोस्कोप अपनी बायोलॉजी लैब में, तो उसमें तुम्हें पता है कि एडजस्टमेंट करने का आता है, जिसमें हम लोग घुमाते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेंस के अंदर, तो वो होता है ट्यूब लेंथ। क्लियर? तो समझो यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से ये क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे वी डैश, ये इंटरमीडिएट इमेज है। ठीक है? अब ये जो ऑब्जेक्ट मिला, ये दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल बात है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू डैश। दूसरी बात, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है, दो लेंस के बीच का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं स्मॉल डी, स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस। क्लियर? दूसरी बात कि ये जो रेज जब एंटर होंगी यहां पे, तो ये जाएंगी आई की तरफ, जो इनका जो ट्रैवलेंस होगा वो इस तरफ होगा, और इनको अगर मैं थोड़ा पीछे की तरफ खींच लूं, तो यहां कहीं तुम्हारी इमेज बनेगी, फाइनल इमेज, जो काफी बड़ी होगी, और इसका जो डिस्टेंस है वो हमको पता होता है, कैपिटल डी, यानी कि नियर पॉइंट। समझ में आई बात? इसका मतलब देखो, पहला लेंस मैग्नीफाई कर रहा है, पहला लेंस उसको मैग्नीफाई कर रहा है, दूसरा और बड़े से मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब इतनी छोटी चीज हमें बहुत बड़ी चीज मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, यहां से जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है FE, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये डिस्टेंस कहां से, देखो L से मैंने ड्रॉ नहीं किया, थोड़ा L के और आगे ले गया हूं। क्यों L के आगे ले गए हूं, क्योंकि हमारा जो ये वाला इमेज है ना, पहले लेंस का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, वो फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए, जो हमने अभी अभी सीखा था सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इमेज पीछे बनेगी, हाँ, अगर ये एग्जैक्ट F पे हो गया तो इमेज इंफिनिटी चली जाएगी, इसलिए हम अंदर ड्रॉ करते हैं। समझ में आई बात? तो याद रखना, यू डैश और एफ ई सेम नहीं होते। गॉट इट? यहां तक किसी को डाउट? सर, हाँ बेटा बोलो। सर, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो भी वो डी होगा? नहीं नहीं, मतलब डी तो नियर पॉइंट है, वी इज इक्वल टू डी इस केस में है, बाकी वो वी होगा, इंफिनिटी डिस्टेंस वी होगा, डी तो 25 ही होता है। अब सर, डी कौन से केस में हो सकता है? नियर पॉइंट पे इमेज बने तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू नियर पॉइंट। तो सर, नियर पॉइंट पे कब बनेगी? अभी ये बनाई ना हमने, ये अभी हमने नियर पॉइंट पे बनाई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने फोकल लेंथ के अंदर लिया है। हाँ हाँ, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर, शोन इन फिगर। नाउ
और ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा? एचओ। समझ में आई बात सबको? ये होगा एचओ। समझो यहां पे एक एंगल है और यहां पे एंगल है, तो दोनों थीटा होंगे। पता चला ये भी थीटा बनेगा। सेम कैसे हो गया? देख ले कैसे सेम होंगे। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो कौन से एंगल बोलते हम लोग? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ में आई बात? एक रे ऐसी है और दूसरी रे ये ऐसी है। देख तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। सिंपल बात से तो यहाँ पे वही है, एक स्ट्रेट लाइन और एक रेड लाइन। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं समझो ओ, इसको ए, ऊपर वाले को बी, इसको ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो हाँ सर, इसमें हम लोग अभी ट्राई करेंगे, ट्राइंगल्स ट्राई करेंगे। इन ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश, दिखा सबको? तो उसमें ओ ए बी और ओ ए बी डैश में दोनों में टेन थीटा आएगा, तो बताओ पहले वाले में टेन थीटा क्या आएगा? देख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए, ओ ए, और दूसरे वाले में ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। गॉट इट? Yes. अब बताओ ए बी कितना है? एच ओ। ओ ए कितना है? एफ ओ। ए डैश बी डैश कितना है? एच आई। एच आई। और ओ ए डैश? एल। एल। तो इसको लिख सकते हैं एल बाय एफ ओ इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। Yes, तो एच आई बाय एच ओ क्या होता है? एम एम। तो ये होगा मैग्निफिकेशन। किसका मैग्निफिकेशन होगा? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा? एल बाय एफ ओ। क्लियर सर? हाँ बेटा बोलो। मतलब सर फोकल लेंथ कम करेंगे तो इमेज ज्यादा मैग्निफाइड होगी पहले लेंस की? हाँ, हमें तो ओवरऑल चाहिए, अकेले लेंस का कोई काम नहीं है। तो सर उसका मैग्निफिकेंट कैसे होगा? अभी आ रहा हूँ, पूरा तो करने दे मुझे। हाँ सर। अब ध्यान देना, नाउ The magnification of eyepiece is same as magnification of simple microscope. आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन सेम होता है जैसा कि सिंपल माइक्रोस्कोप का। याद है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है? डी बाय एफ प्लस वन। तो हम इसमें लिखेंगे आईपीस का मैग्निफिकेशन डी बाय
d by f e plus 1, क्लियर। फिर हम करेंगे सर ये सेम कैसे होगा, क्योंकि ध्यान से देखो ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज, बाकी सबको अगर तुम भूल जाओ तो तुम्हें पूरा वही दिखेगा जो उस लेंस में था, याद है? या मैं याद करा दूं, ये लेंस था, ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज इससे बड़ी थी, बस खाली इन्वर्ट है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। अब बात करेंगे ओवरऑल मैग्निफिकेशन। ओवरऑल मैग्निफिकेशन मतलब दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन मैंने सिखाया तुमको, शायद तुम्हें याद हो तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो एम सेम ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव का एल बाय फोर, एल अपॉन एफ फोर, और इसका डी बाय एफ ई प्लस वन। तो मैग्निफिकेशन किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या आएगा, एल बाय एफ फोर डी बाय एफ ई प्लस वन, क्लियर। बट इफ इमेज फाउंड एट इंफिनिटी, बता सकते हो इमेज इंफिनिटी कब बनेगी, मतलब यू डैश ऑब्जेक्ट एफ पे आएगा तो। वेरी गुड, मतलब ये जो यू डैश है वो एफ ही पे होगा, देन द मैग्निफिकेशन, है बता सकते हो मैग्निफिकेशन में क्या चेंज आएगा, खरे डी बाय एफ हो जाएगा, डी बाय एफ ही, मतलब फॉर्मूला बन जाएगी एम इज इक्वल टू एल डी बाय फोर फी, गॉट इट, समझ में आई बात, किसी को डाउट इसमें नहीं सर, लिख लो फास्ट।